हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लाइव सेशन में। आई वेलकम यू ऑल, सभी का स्वागत करती हूँ बहुत ही दिनों बाद। और कैसे हो आप सब लोग, एक बार मुझे कंफर्म करिए एंड ये भी बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल और नॉट? हाँ, आई एम टोटली फाइन प्रियंका, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हो? हेलो अंजलि, नेहा, रेशमा, सोनू, शैल, प्रियंका, सबका स्वागत है। हितेश, सुनीता, जितने लोग सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, एंड आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, बहुत ही खुश भरी हुई होगी। एंड उसी के साथ आज की इस क्लास को हम शुरू करेंगे। एंड आई एम सो सॉरी, बहुत ही दिन से सेशन में नहीं ले पा रही थी, एंड आफ्टर सो लॉन्ग आई एम टेकिंग दिस सेशन। दिवाली की वजह से भी थोड़ा शोर था, तो मैं ये जो करंट अफेयर की क्लास है इसको नहीं ले पा रही थी। बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अगर पीछे से कोई वॉइस नॉइस आता है क्रैकर्स वगैरह का, तो अरेंज थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। लेकिन हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल डिस्कस 30 questions, एंड 30 question में हम लोग बहुत सारी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, जो स्कीम्स हैं जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जितनी स्कीम्स आती हैं, सो वी विल डिस्कस ऑल दोज स्कीम्स, ठीक है। तो आप लोग एक बार ही सेशन को शेयर जरूर कर दो, सबसे पहले तो शेयर कर दो सब लोग, ताकि सब लोग जरा स्टडी के मोड में आ जाए। आई नो आप लोग भी थोड़ा फेस्टिवल में होंगे, फेस्टिवल मोड में, सो भी टाइम है फेस्टिवल मोड से निकलने का और प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने का, ठीक है। सो एक मिनट और दीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँ एक बार अपना टेलीग्राम पे। और आप में से जो लोग भी अभी टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड नहीं है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े। वहाँ पे जितनी भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो मैं शेयर करती हूँ, एंड ऑल नोट्स एंड ऑल पीडीएफ्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन अवेल देम एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, ओके। उसके बाद वी विल स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करें? हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ना आप लोगों को एक तो ओवरव्यू दूंगी कि जो आपका करंट अफेयर आप देखते हो वो काफ़ी वास्ट है ना। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर आप आपको फिक्स है कि आपको क्या पढ़ना है, बहुत सारा वास्ट है। तो इसमें बेसिकली करंट अफेयर जो आपका आने का चांस है वो ये है कि जो आपका गवर्नमेंट में जितनी स्कीम्स चल रही है ना, जैसे NEP आ गया, NEP 2020 है, NCF 2023 जो आया अभी रीसेंट, जो भी स्कीम्स रीसेंट आई है ना आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा करंट अफेयर नहीं करना कि डेली बेसिस पे जो हो रहा है, जो स्कीम्स हैं जो इनिशिएटिव्स हैं आपको वही पढ़नी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ स्कीम्स डिस्कस करूँगी, जो लिस्ट ऑफ स्कीम्स हैं इनको केवल बेसिक आप केवल देखो इनको, बहुत डिटेल नहीं जाना है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो है स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा, मतलब इसको तो आपको मिस करना ही नहीं है, 5 question वैसे ही आपका यहाँ से आने वाला है, और करंट अफेयर में भी आपका NEP से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको NEP याद रखना है, फिर स्टार्स प्रोजेक्ट हो गया, कला उत्सव हो गया, स्वच्छ विद्यालय अभियान हो गया, शिक्षा पर्व इनिशिएटिव हो गया, या नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो मेरिट बेस्ड जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो, फिर है ईशान उदय, ईशान विकास, और एक है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो ये सारी जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए ली गई है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप इसको याद कर ले पूरा, लेकिन हाँ आपको मालूम होना चाहिए। सो फॉर योर क्लैरिफिकेशन अगर आप चाहते हो तो इनको बेसिक पढ़ के ज़रूर चले जाना, ठीक है। बस ऊपर ऊपर से देख लेना क्या क्या है, और मुझे टाइम मिला तो मैं भी करवा दूँगी। दूसरा देखो क्या है, कुछ स्कीम्स हमारे स्कूल के लिए भी स्टार्ट की गई गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि मिड डे मील है, मिड डे मील योजना को स्टार्ट किया गया 1995 में, सर्व शिक्षा अभियान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मिड डे मील है, SSA है, जिसको अब समग्र शिक्षा बोला जाता है, इसका नाम चेंज होके क्या हो गया है, समग्र शिक्षा हो गया है। तो ये आपका पूछा जा सकता है कि नया नाम क्या है, तो समग्र शिक्षा स्कीम हो गया है। फिर उसके बाद एमिनेंस अभियान हो गया, फिर हायर फाइनेंसिंग एजेंसी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कुछ है, जैसे समग्र शिक्षा वही है,
फिर आपका EMRS मेन तो वही है ना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हो गए, ये भी आपका क्या है, उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया जो SC ST कम्युनिटी से आते हैं, उनके लिए रेजिडेंशियल जो आवासीय विद्यालय होते हैं उनको खोलने के लिए EMRS विद्यालयों की स्थापना की गई थी, और ये भी आपका सेंट्रल स्कीम के अंदर आता है। ठीक है, तो जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो भी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहा है, जो इनिशिएटिव लिया गया फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम स्केड्यूल कास्ट और जो जनजाति, पिछड़ी जनजाति के जो बच्चे हैं उनके लिए। फिर उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपको 2005 वाला भी पढ़ना है, एज वेल एज आपको अभी जो रिसेंट 2023 में जो भी लॉन्च आया है नया, वो भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़े भारत बढ़े भारत एक स्कीम है, तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका डिजिटल एजुकेशन, अगर हम बात करें ICT के फॉर्म में, क्योंकि आपका ICT भी सिलेबस में जुड़ा हुआ है, तो कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऐसे लिए गए जो आपका डिजिटली उसको बढ़ाने के लिए लिया गया है। ठीक है, तो डिजिटल एजुकेशन के संदर्भ में आपको याद रखना है E-विद्या, PM E-विद्या हो गया, दीक्षा एजुकेशन हो गया, दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल E-लाइब्रेरी को स्थापित किया गया, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, विद्या दान है, E-पाठशाला और स्मार्ट इंडिया को भी लाया गया। तो ये जो है ये आपका डिजिटल एजुकेशन है। ठीक है, तो मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रही हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल दीज स्कीम्स इन वन वीडियो, सो आई एम गिविंग यू सम बेसिक आइडिया जो आपको करना है। ठीक है, करंट अफेयर में यही सब चीजें हैं जो आपको करनी है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते, गर्ल्स के लिए कुछ स्कीम्स आई, जैसे गर्ल्स के लिए केवल नाम याद रख लीजिए, एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहला स्कीम ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो किसके लिए था, क्यों था ऐसा। कस्तूरबा गांधी, जिसको KGVB भी बोला जाता है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये भी क्या है, एक रेजिडेंशियल विद्यालय को स्थापित किया गया उन बच्चों के लिए, उन छात्राओं के लिए जो ग्रामीण रूरल एरिया से आती हैं, उनके लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम है फॉर एलिमेंट्री लेवल गर्ल्स एजुकेशन, उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन भी है, तो इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना, नाम केवल याद रखो। उसके बाद प्रगति एक नाम आता है इनिशिएटिव, फिर CBSE सिंगल चाइल्ड मेरिट अभी नया स्टार्ट किया गया कि सिंगल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, फिर एक है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा परीक्षण। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो गर्ल्स एजुकेशन को फोकस करने के लिए शुरू की गई थी। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, यस नो बताइए। तो अगर आप में से इफ एनीवन विशेस टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, चाहते हो पढ़ना तो आप पढ़ लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे एंड वी विल कवर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो एक एक क्वेश्चन से आप अंदाजा लगाना आपको कितने आ रहे हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे खुद से भी, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट। तो मुझसे जितना हो पाया है इम्पॉर्टेंट उतना मैंने यहाँ पे ऐड किया है ना, मैंने बहुत सोच समझ के ऐड किए हैं वो क्वेश्चन जो आपके चांसेस हैं पूछे जाने के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द 19 मेंबर नेशनल सिलेबस एंड टीचर लर्निंग मटेरियल कमेटी, जिसको NSTC बोला जाता है। तो एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, क्या पता फुल फॉर्म आ जाए। ठीक है, NSTC की फुल फॉर्म है नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी, तो NSTC इसको शॉर्ट में याद रख लो, जो कि NCERT द्वारा स्टार्ट किया गया, और किस लिए स्टार्ट किया गया था, 3 से 12वीं, 3rd to 12th तक की जितनी भी पुस्तकें हैं NCERT द्वारा, जो पुस्तकें की जाती हैं, रिलीज की जाती है, बनाई जाती हैं, उनको एक तरह से देखने के लिए, ठीक है, उनको संशोधित करने के लिए। तो यहाँ पे जो कमेटी बनाई गई है अभी रीसेंट ही करंट अफेयर है, तो उसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, MC Pant थे, और इसमें कम से कम 19 लोग थे। ठीक है, इस कमेटी में 19 लोगों को शामिल किया गया। अब वो 19 लोग कौन कौन है, आपको सबके नाम तो नहीं याद रखने, बट हाँ फेमस जो है उनको आपको पता होना चाहिए, जिसमें से एक सुधा मूर्ति हो गए, बहुत लोग जानते होंगे सुधा मूर्ति को, कौन नहीं जानता होगा। तो इन्होंने क्या किया है कि MC Pant इसके चेयरपर्सन थे, इन्होंने 3rd to 12th की बुक्स को रिवाइज करने के लिए कमेटी बनाई,
जिसके अंदर मेनली सुधा मूर्ति थी जो इन्फोसिस के चेयरमैन भी हैं, शंकर महादेवन हो गए, संजीव सनय हो गए, तो बेसिक याद रखना ठीक है। और ये जो कमेटी है, द कमेटी एम्स टू अलाइन करिकुलम विद द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, NCFSE हो गया, और ये बेसिकली NEP 2020 को ध्यान में रख करके रिवाइज किया गया ठीक है। मतलब NEP जो पॉलिसी आई है उसके उसको ध्यान में रख करके 3rd to 12th की पुस्तकों को रिवाइज करने का इन्होंने डिसीजन लिया है ठीक है। आपको पता है कोई पॉलिसी आ रही है, कुछ चेंज अगर हो रहा है तो वहाँ पर हम बुक्स को भी देखते हैं, बुक्स में भी हम चेंजेस लाते हैं। आप देखोगे NCERT में भी रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस बुक्स के अंदर लाए गए हैं, काफ़ी चैप्टर्स को हटाया गया है ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो देखो साथ के साथ आप लोग क्वेश्चन को भी बार बार जितना आप डिस्कस करोगे, आप जितना समझोगे उतना आपको रटने की ज़रूरत कम पड़ेगी ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, वाइफ और नारायण मूर्ति, यस, एंड मेरी बहुत फेवरेट है, तो अगर मौका मिले तो इनकी कुछ किताबें ज़रूर आप लोग पढ़ना ठीक है। इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, खुद बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा राज्य, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट NEP, पहला राज्य कौन सा था जिसने NEP को इम्प्लीमेंट किया, सबसे पहला राज्य NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने वाला ठीक है। तो NEP 2020 सबको मालूम ही है, इसको तो पढ़ ही लेना, मैंने वीडियो बनाई है, नहीं किसी ने देखी तो ज़रूर देख लेना, 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। और ये कौन सा स्टेट में स्टार्ट हुआ, कर्नाटका ओके। सो ऑप्शन नंबर 2 सभी का करेक्ट आ रहा है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कर्नाटका है ये तो आपको मालूम पड़ गया। और अच्छा अब NEP के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है वैसे तो, बट शॉर्ट में मैं यही कहूँगी कि NEP के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो कौन थे, K. Kasturirangan, और इसने 34 साल ओल्ड जो पुरानी वाली 86 वाली पॉलिसी आई थी NEP वाली, उसको इसने क्या किया, रिप्लेस किया, और 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये आई है ठीक है। तो इस 21वीं सदी की पहली है, और टोटल अगर मैं बोलूँ तो ये तीसरी है ओके। इससे पहले 1968 में आई, फिर आई आपकी 86 में, और अब आई है 2020 में ठीक है। बाकी बहुत चीज़ें हैं उसको आप पढ़िएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया है। तो एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसको बोला गया पहल, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, आंसर करो फटाफट से थर्ड क्वेश्चन के लिए। और बहुत स्लो हो रहा है तो ये भी बता देना ठीक है, थोड़ा फिर जल्दी जल्दी करेंगे। ओके बहुत बढ़िया। ओके आंसर मिक्स आंसर मुझे दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, करंट अफेयर ऐसी चीज़ होती है, या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता ठीक है। तो इट्स ओके इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। डी होगा उत्तर प्रदेश ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहल को आरंभ किया गया ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखिए कि पहल इज अ न्यू इनिशिएटिव बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किया गया इसको, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन ठीक है। हम एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, फ्री प्रोवाइड करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ आईआईटी कानपुर की मदद से इन्होंने कोलैबोरेशन किया, साथ में मिलके इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन पहल को स्टार्ट किया ठीक है। तो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है पहल ठीक है। और ये किस लिए किया गया था, रूरल एजुकेशन, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एजुकेशन है उसको पहुंचाया जाए, इसका मेन पर्पज़ यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, उसको स्टार्ट किया जाए, क्लियर है। तो कौन सा राज्य है, UP, क्या स्टार्ट किया गया पहल, किस लिए स्टार्ट किया गया, रूरल एजुकेशन, रूरल एरियाज में ऑनलाइन एजुकेशन को फोकस कर किया गया ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खेल आधारित शिक्षण सामग्री की परिकल्पना की गई है। आपको पता है कि प्ले बेस्ड एक्टिविटी को काफी फोकस किया गया एनईटी में, और इस नीति के अनुसार अभी हाल ही में एक जादुई पिटारा लॉन्च किया गया है। तो ये जादुई पिटारा कौन से ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, कौन से एज ग्रुप के लिए स्टार्ट किया गया है? आपको क्या पता लग रहा है कि जो जादुई पिटारा नामक जो एक इनिशिएटिव लिया गया है अभी, किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, एमओई के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो कौन सी एज ग्रुप के लिए इसको स्टार्ट किया गया वो आपको बता रहे हैं। अगेन ये किसको फोकस कर रहा है? एनईपी को फोकस कर रहा है, मतलब एनईपी के आने से बहुत सारे इनिशिएटिव नए नए लिए गए हैं। तो इसमें जो एज ग्रुप है वो क्या होगा? 3 से 8 साल, ठीक है, 3 to 8 years के बच्चों के लिए जादुई पिटारा को लॉन्च किया गया है। और ये जादुई पिटारा क्या होगा? प्ले बेस्ड लर्निंग होगा, मतलब जो भी लर्निंग किया जाएगा वो प्ले आधारित किया जाएगा, ठीक है। तो 3 to 8 years विल बी राइट, क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है, 3 से 8 साल, धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा 13 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? 13 भाषाओं में, ठीक है, 13 languages में इसका जो फ्रेमवर्क है उसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। और एनसीईआरटी का काम क्या है कि वो मदर टंग में क्या करे, इसको ट्रांसलेट करे, जो भी यहाँ पे एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है उसको मदर टंग में लाया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय शिक्षा संगम समागम वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू कमरेट विद एनिवर्सरी ऑफ विच स्कीम और विच पॉलिसी, मतलब किस पॉलिसी के वर्षगांठ को मनाने के लिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम को स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, अखिल भारतीय शिक्षा समागम, और क्यों स्टार्ट किया, किसकी एनिवर्सरी पे स्टार्ट किया गया था? तो आपको पता है अभी रिसेंट कौन सी स्कीम आई है, बहुत इंपॉर्टेंट, एनईपी आई है। तो यहाँ पर एनईपी 2020 के एनिवर्सरी पे अखिल भारतीय शिक्षा समागम योजना को लाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर जितने लोग कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। सर्व शिक्षा तो 2001 में आया था, तो सर्व शिक्षा नहीं होगा, बिकॉज ये आपका 2001 में आया था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। अभी रिसेंट जो आया वो एनईपी आया, ठीक है। तो ये सब है, और किसने किया इसको? प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया और दिल्ली में किया इसको। बेसिक इसका याद रखो, और किसकी वर्षगांठ पे किया? एनईपी के वर्षगांठ पे, ठीक है। तो याद रखना क्या है नाम, अखिल भारतीय शिक्षा समागम। चलो क्वेश्चन 6 पे आते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट? अभी हाल ही में ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो वो रिपोर्ट जारी करने वाला जो मंत्रालय है कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है? तो कौन सी रिपोर्ट आई है? स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब ग्रामीण इंडिया में एलिमेंट्री एजुकेशन का स्टेट क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन कब से कब तक होता है? एलिमेंट्री इज 1 to 8, ठीक है, 1 से 8वीं तक जो अवस्था है रूरल में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लाया गया, तो आंसर ठीक आ रहा है सभी का, सिंपली क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये सब है, बाकी इतना बहुत डिटेल में नहीं जाना है, केवल बेसिक बात इसका याद रखना, किसने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च हुआ, कब हुआ, बेसिक, ठीक है। चलो क्वेश्चन 7 है, यूनियन एचआरडी मिनिस्टर लॉन्च द ट्रेनिंग प्रोग्राम डैश टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल। अब यहाँ एक वर्ड है ना, लर्निंग आउटकम को सुधार करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को लाया गया, ठीक है। लर्निंग आउटकम पता होगा, सीखने की संप्राप्ति क्या होती है, मतलब कितना सीखा उसको कहते हैं लर्निंग आउटकम, कि वो कितना सीख पा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पराक्रम होगा, शिक्षा होगा, निष्ठा होगा, या उत्साह होगा?
सारे ऑप्शन इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे पढ़ के, बट आप देखो क्वेश्चन से आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि मेन चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। निष्ठा स्कीम को लाया गया था, ठीक है, निष्ठा स्कीम याद रखिए, और इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे। निष्ठा को अलग अलग लेवल्स पे लाया गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक लेवल पे लाया गया है। जैसे एलिमेंट्री लेवल पे लाया गया 1-8 लेवल हो गया, सेकेंडरी लेवल पे भी इसको लाया गया 9-10 लेवल हो गया, फिर उसके बाद फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, आपको FLN पता होगा, FLN के लेवल पे भी निष्ठा 3.0 लाया गया, और निष्ठा 4.0 को लाया गया जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, यानी ECCE। तो इन चार क्षेत्रों में निष्ठा स्कीम को लाया गया, और निष्ठा की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। थोड़ा बड़ा है, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रोल है यहाँ पे, इन्होंने लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। और क्यों इसको लाया गया था? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय इन्हेंसिंग द नॉलेज, मतलब टीचर्स की नॉलेज को इन्हेंस करना, ताकि स्कूल में क्या लाया जाए, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। यहां तक क्लियर है? यस नो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। निष्ठा स्कीम क्लियर है? निष्ठा स्कीम जो आया था वो इसी के लिए स्टार्ट किया गया था, ताकि हम लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करें, ठीक है, टीचर्स की स्किल को इम्प्रूव करें, और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उस लेवल पे हम चेंज लाएं, ठीक है। और चार लेवल पे इसको लाया गया, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, ECCE, और जो आपका FLN है, FLN मतलब जो आपका बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है, उसके आधार पे, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पे? NEP, अगेन NEP से क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि एक असेसमेंट सेंटर को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, एक असेसमेंट सेंटर को स्टार्ट किया जाएगा, जो कि क्या करेगा, ओवरऑल 360 डिग्री मूल्यांकन करेगा, ठीक है। 360 डिग्री सुना होगा सबने, होल मतलब होलिस्टिक, ठीक है, होलिस्टिक होना चाहिए असेसमेंट। एक सेंटर स्थापित किया जाएगा असेसमेंट करने के लिए, जिसको क्या बोला गया, परख बोला गया, ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परख की फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, परख की फुल फॉर्म परफॉर्मेंस, P फॉर परफॉर्मेंस हो गया, A फॉर असेसमेंट हो गया, क्योंकि ये आपके असेसमेंट से रिलेटेड है, तो इसको याद रखना कि आंकलन संबंधित ये है। और रिव्यू, R फॉर रिव्यू हो गया, एनालिसिस हो गया, नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्या बोला गया कि 360 डिग्री डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको एग्जामिनेशन और असेसमेंट रिफॉर्म्स के लिए स्टार्ट किया गया था, तो परख हो जाएगा इसका नेशनल असेसमेंट सेंटर, ठीक है, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। चलो नेक्स्ट है, स्टार्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अब ये बताना है कि अभी रिसेंटली 2020 में भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ स्टार्स प्रोजेक्ट को लाया, और ये स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो कितने राज्यों को कवर करता है, 6, 4, 8 या 10, इससे आपको स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में भी याद रखना है कि कहाँ पे स्टार्ट किया गया, कितने राज्यों को स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, ठीक है, बेसिक। सो तो देखो यहाँ पे टोटल जो स्टेट्स है वो 6 स्टेट्स, ठीक है, देयर आर 6 स्टेट्स जहाँ पे स्टार्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अब कौन कौन से स्टेट्स है, बेसिक याद रहना चाहिए। पहले तो एक चीज याद रखना, विश्व बैंक एंड जो गवर्नमेंट है उन्होंने मिलके इसको स्टार्ट किया। 6 राज्य कौन कौन से है, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा, ठीक है। तो
इसको या आप हो सके तो नेम याद रख लेना, ठीक है, और स्टार्स का फुल फॉर्म याद रख लेना। स्टार्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया तो सेंट्रल है, और इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, एनईपी बेस्ड जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको फोकस करना। तो अगेन ये जो स्क्रीन का बैकग्राउंड ब्लैक करना है, रियली देखो स्क्रीन का बैकग्राउंड ब्लैक इसलिए नहीं करती ना क्योंकि आप लोग फिर पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो वो फोटोकॉपी काफी बच्चे कराते हैं, तो फोटोकॉपी कराने के चक्कर में उनका ब्लैक ब्लैक आता है पूरा, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन रखती हूँ ऑलवेज, ठीक है। चलो तो क्लियर है ये वाला स्टार्स की फुल फॉर्म, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगी टेलीग्राम पे, आप इसको आराम से इसको लर्न कर लेना, बिकॉज ये चीजें ऐसी हैं जो एकदम से फिट नहीं होगी दिमाग में, आपको 2-3 बार इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसकी फुल फॉर्म याद रख कर पाओगे सबकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ निपुण भारत मिशन, एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निपुण भारत मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो बेसिक प्रोफिशिएंसी है या जिसको एफएलएन बोलते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव एफएलएन ही था, ठीक है, लिटरेसी न्यूमरेसी वाला जो था कि हर बच्चे को बेसिक रीडिंग राइटिंग और लिटरेसी आनी चाहिए, तो कौन सी कक्षा को निर्धारित किया गया है। एंड अगेन ये जो मिशन था ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही लाया गया, निपुण भारत मिशन, और किस किस में लाया गया, NEP 2020 के अंतर्गत लाया गया, अभी जो NEP आई है उसके अंदर इसको भी लाया गया, ठीक है। तो कौन सी क्लास बोला गया, यहाँ पे कक्षा 3 तक बोला गया कि जब एक बच्चा क्लास 3 में जाता है तो क्लास 3 तक उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे वो राइटिंग हो, रीडिंग हो, मैथमेटिक्स हो बेसिक, या लिटरेसी हो, पढ़ना लिखना उसको आना चाहिए बेसिक लेवल पे, ठीक है। तो कौन सा है, क्लास 3 है, ओके। और हाँ क्लास 6 में भी बहुत सारी बातें बोली गई है, क्लास 6 में बोला गया कि कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पहला कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, और ये भी बोला गया कि कोडिंग कोडिंग स्टार्ट करेंगे, बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, और वोकेशनल, ये तीनों वर्ड याद रखना, वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत, कंप्यूटर लिटरेसी की शुरुआत और कोडिंग की शुरुआत कहाँ से होगी, क्लास 6 से होगी। और क्लास 5 में क्या बोला गया कि हमारी जो शिक्षा होगी वो मदर टंग में होगी, ठीक है, क्लास 5 में अप टू क्लास 5 तक जो भी एजुकेशन दी जाएगी वो बच्चे की मदर टंग मातृभाषा में होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं कौन सी क्लास में क्या क्या बोला गया है, ओके। अब थोड़ा सा निपुण भारत के बारे में बताऊंगी, निपुण भारत जो है बेसिकली इस मिशन के अंतर्गत एफएलएन को फोकस किया गया कि हम फ्लुएंसी लिटरेसी न्यूमरेसी को प्राप्त करेंगे, ठीक है, और 2025 तक लक्ष्य बोला गया कि 2025 तक हम इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 11 क्वेश्चन पे, नेक्स्ट नेक्स्ट बोला गया कि अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का अधिदेश दस्तावेज किसने लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है। तो आपको पता है नया एनसीएफ आ चुका है तो आपको उसको भी पढ़ लेना है बेसिक, ठीक है, तो नए एनसीएफ में किसने लॉन्च किया दस्तावेज, तो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, जो पहले MHRD मिनिस्ट्री थी उसका नाम चेंज हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है अभी, तो इसमें कौन है अभी एजुकेशन मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन B होगा, तो आंसर सभी का ठीक आ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान। अब इसमें देखो बहुत सारी बातें बोली गई हैं, मैं एक अलग सेशन इसका ले लूंगी एनसीएफ का शॉर्ट में, लेकिन अभी बेसिक इतना समझो कि बेसिकली 4 एरिया पे फोकस किया गया है, जो अभी नया वाला एनसीएफ आया है, स्कूल एजुकेशन पे फोकस किया गया, शिक्षा विद्यालय शिक्षा पे, ECCE को फोकस किया गया, टीचर एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन, ये 4 प्रकार की जो एजुकेशन है इस पे अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा इन एरियाज पे फोकस किया गया है, ठीक है। और इसमें बेसिकली 25 थीम्स की बात की गई है, 25 थीम ऐसे हैं
जिन पे यहाँ पे फोकस किया गया है, जो कि एनईपी से रिलेटेड है। एनईपी को फोकस करते हुए इसमें 25 थीम पे बात की गई है, ठीक है। बाकी एक डिटेल्स एक वीडियो इसका मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल अगेन टू कवर अप ऑल दीज थिंग्स, है ना। लेकिन आप बेसिक मालूम होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप खुद भी फिर कभी पढ़ो, है ना, आपको टाइम मिले तो आप खुद देखिए, खुद पढ़िए डॉक्यूमेंट। टीचिंग एप्टीट्यूड करा दूंगी, आज आज एक वीडियो डाली है शॉर्ट में, ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपका आएगा, ठीक है, जब टाइम मिलेगा मैं अपलोड जरूर करूंगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम, नया स्कीम आया है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो अब बताना है कि कितने साल के लिए इसको मंजूरी दी गई है, 5 साल, 7 साल, 1 साल या 3 साल, तुक्का लगा सकते हो अब आप लोग। अगर नहीं समझ आ रहा है तो तुक्का लगा सकते हो आप लोग, इसमें क्या होना चाहिए। तो देखो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम आया है जिसको 5 साल के लिए मंजूरी दी है, 5 ईयर्स का ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं ये लोग कि 5 साल में हम ऐसा ऐसा लिटरेसी प्रोग्राम को चलाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या है, 5 कॉम्पोनेंट है इस स्कीम के, कितने कॉम्पोनेंट है, 5 तत्व हैं। पहला FLN है, FLN आपको पता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फुल फॉर्म होती है FLN की। क्रिटिकल लाइफ स्किल, आपको पता है जीवन कौशल सिखाना बहुत जरूरी है। वोकेशनल स्किल को बहुत फोकस इस बार किया जा रहा है। बेसिक एजुकेशन आपको पता होगा, बुनियादी शिक्षा, गांधी विचारधारा जो है, और एक कंटिन्यूइंग एजुकेशन यानी लगातार जो सतत शिक्षा है उसको दिया जाए। तो ये 5 प्रिंसिपल हैं नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम का, ठीक है। और कितने साल, 5 ईयर्स, फ्रॉम 2022 से 2027 तक, मतलब 5 साल का ड्यूरेशन यहाँ पे बोला गया है। और बेसिकली मेन इसका काम क्या है ना, अडल्ट एजुकेशन को प्रोवाइड करना, ठीक है। मेन काम इसमें क्या है कि जो अडल्ट हैं उनको एजुकेशन देना, अडल्ट एजुकेशन, और जो नॉन लिटरेट है, जो लिटरेट नहीं है उनको शिक्षा देना, क्लियर। थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ आ गया होगा, 5 प्रिंसिपल हैं, 5 साल के लिए है, अडल्ट एजुकेशन और जो नॉन लिटरेट है, ठीक है, 15 से ऊपर वाले, उनको यहाँ पे शिक्षा लिटरेसी दी जाए, FLN प्रोवाइड किया जाए बेसिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड अपना चंद्रयान प्रोग्राम, कब लॉन्च किया है, मतलब अभी आपको पता है चंद्रयान बहुत चर्चा में रहा, तो अभी एक प्रोग्राम आया है जिसको यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, और ये कब लॉन्च किया है वो आपको बताना है, अपना चंद्रयान, ठीक है। तो अक्टूबर 17 होगा, अक्टूबर 25 होगा, अगस्त 15 या सितंबर 15। इससे आपको थोड़ा बहुत अपना चंद्रयान पता होना चाहिए कौन सा स्कीम है ना। सो बेसिकली नाम से क्या लग रहा है, चंद्रयान अभी लॉन्च जो हुआ, अभी जो चंद्रयान अभी जो हुआ इसरो की तरफ से, तो उसमें उसके बाद ये आया है, और इसका डेट जो होगा वो क्या होगा, 17 अक्टूबर 2023, अभी रिसेंट ये आया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल रिसेंट है ये 17 अक्टूबर में, ठीक है, अपना चंद्रयान कार्यक्रम। अब इसमें क्या किया गया, बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इसमें बेसिकली जो स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको चंद्रयान मिशन के बारे में बताना, सिंपल, ठीक है। और क्यों करना, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को बढ़ाना। अब बच्चों को चंद्रयान के बारे में बताएंगे तो उनके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। तो मेन मोटिव यही है कि टू फोस्टर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड इंस्पायर क्रिएटिविटी अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल के बच्चों को ये सब प्रोवाइड करने के लिए 17 अक्टूबर 2023 को अपना चंद्रयान कार्यक्रम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है,
पूरा करंट अफेयर देखो, आज के करंट अफेयर में काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व कर दिए हैं, दो तीन सेशन और मैं ले आऊँगी करंट अफेयर के, ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तो जो रिमेनिंग कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी इम्पॉर्टेंट, उनको मैं दो तीन वीडियो में अपकमिंग सेशन में ज़रूर कराऊँगी, ठीक है। चलो भाई आंसर करो, क्या होना चाहिए, कितने भाग हैं इसके, हाउ मेनी पार्ट्स इन एमसीएफ 2023, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है। पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है रिसेंट में। अब वो फाइव एरियाज आपको देखने हैं, ठीक है। एरियाज जो है वो मेजरली पांच है। कौन कौन से यहाँ पे पार्ट्स हैं, पहला अप्रोच है, नाम याद रख लेना बस, इतना डिटेल वैसे आएगा नहीं, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन यू मे हैव द आइडिया कि कैसे हमको पढ़ना है या क्या हमें जानकारी रखनी है। तो पार्ट ए में अप्रोच हो गया, अप्रोच मतलब कि करिकुलम एरियाज क्या होगा, अप्रोच समझ लो, अप्रोच मतलब आपका तरीका क्या है ना, अप्रोच यानी कि आप कैसे पढ़ाओगे, आपका पेडागोजी क्या होगा, वो अप्रोच होता है। तो पार्ट वन में अप्रोच हो गया उपागम, ठीक है, इसको बोलते हैं उपागम। और दूसरा क्या है, स्कूल सब्जेक्ट। दूसरा में विषयों की बात की है, सब्जेक्ट्स में जो जो सब्जेक्ट हमको पढ़ाना है, फाउंडेशनल स्टेज पे क्या सब्जेक्ट होगा, आर्ट कैसे होगा, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे आ गया, सारे सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पे आ गए, दूसरा पार्ट ये हो गया। तीसरा पार्ट है क्रॉस कटिंग थीम। क्रॉस कटिंग थीम समझ रहे हो, जो सब्जेक्ट के अलावा जो आपकी थीम्स होते हैं, जैसे वैल्यू कैसे देंगे, लाइफ स्किल हो गया इसमें, लाइफ स्किल भी तो एक क्रॉस अलग स्किल है ना हमारी, मतलब डिफरेंट है थोड़ा, एक्स्ट्रा करिकुलर में आ गया। इंक्लूजन हो जाएगा, गाइडेंस काउंसलिंग देना, ICT ऐड किया गया यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट में क्या आता है आपका, जो अदर स्किल्स हैं वो देना। चौथा पार्ट है आपका कल्चर, स्कूल का कल्चर क्या होगा, कल्चर यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, स्कूल कल्चर का मतलब है एनवायरनमेंट स्कूल का कैसा हम रखेंगे, किस तरीके का हमारा वातावरण होना चाहिए विद्यालय में। तो चौथा पार्ट क्या है आपका, जो स्कूल के कल्चर से रिलेटेड है। और पांचवा लास्ट पार्ट क्या है, सपोर्टिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब कि उसके अलावा जो अलग अलग हमारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि रेशियो क्या है, प्यूपल टीचर रेशियो, ठीक है, और रोल क्या है बाकी लोगों का, वो सब हमारे सपोर्टिंग सिस्टम में आ गए, ठीक है। सपोर्टिंग सिस्टम मतलब जो एजेंसीज हैं वो कैसे जुड़ी हुई हैं, और समझ गए ना क्या है इसमें मेन मेन। तो बेसिक पांच हो गए, पांच यहाँ पे एरियाज हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 15 देखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन आई थिंक हम कर चुके हैं ना, वो विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एनईपी, तो ये कर्नाटका था, इसका आंसर हम कर चुके हैं, ठीक है, ए हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनईपी। अब आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो पिलर्स हैं, बेसिक जो मूलभूत स्तंभ है वो बता रहे हैं, कितने पिलर्स की बात की गई है, कौन कौन से हमारे आधारभूत पिलर्स होते हैं, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी या एक्सेस, इनमें से आपको सही कोड चूज करना है। आई होप आपको दिख रहा हो, मे बी जिनको विजिबल नहीं होगा ना, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है, जिनको विजिबल नहीं है ना इंग्लिश में पढ़ना। थैंक यू सो मच चंदा शॉ आपके कमेंट के लिए, गुड इवनिंग आपको, एंड थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है, आप लोग अगर मुझसे जुड़े हैं, मेरे सेशंस देखते हैं, हालांकि मैं बहुत लेट सेशंस ले रही हूँ आजकल, बट अगर आपको हेल्प हो रही है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। ऐसे ही देखते रहो और शेयर करते रहो वीडियोज़ को, ठीक है। ओके, सो आंसर जो है वो डी कर रहे हैं सब लोग, बहुत बढ़िया। सारे पॉइंट्स याद रखना, सारे पिलर्स हैं, ठीक है। पिलर्स मतलब समझ रहे हो कि ये चीज है जो हमें फोकस करना है, जैसे एक्सेस होना चाहिए, एक्सेस का मतलब है कि शिक्षा तक पहुंच हर बच्चे की होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि वो शिक्षा को ले सके, हर बच्चा अफोर्ड कर सके। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो टीचर है, जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है, उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, या जो स्टेट है
राज्य की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो शिक्षा को दे, फिर क्वालिटी को मेंटेन करना, एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना। इक्विटी का मतलब क्या होता है, समता को प्रोवाइड करना। समता मतलब कि किसी को अगर आप एक तरह से सपोर्ट कर रहे हो तो वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप करोगे, किसी को बराबरी पे रख रहे हो तो वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग रखोगे, तो वो समता होती है। ठीक है, इक्विटी और एक्सेस, पहुंच होना चाहिए सबके, सब हर एक बच्चे तक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो पिलर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंग्लिश की क्लास कल लूंगी मैं, कि आज तो चलो शोर नहीं हो रहा है, तो कल ना आपका इंग्लिश का क्लास में टेंसेस लेने वाली हूँ, तो अभी बता देती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल मैं आपका टेंसेस पे क्लास ले लूँ, तो 10 बजे ज्वाइन करना कल। ओके, 17 क्वेश्चन का आंसर करो, क्या लग रहा है। Which campaign was implemented as India's flagship program for universalization of elementary education? अब universalization of elementary education का मतलब क्या है? UEE इसको बोलते हैं। UEE का मतलब है कि शिक्षा का पहुंच हर जगह होना चाहिए, मतलब शिक्षा को सार्वभौमीकरण कर देना, कहां तक? एलिमेंट्री 1-8 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया उसको बोला गया सर्व शिक्षा अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया SSA, इसका मेन जो फोकस यही था कि यूनिवर्सलाइज करना, सब तक पहुंचाना शिक्षा को। ठीक है, अब ये कब स्टार्ट किया गया था, याद रखना, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, आपको मालूम है RTE एक्ट आया था 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट को लॉन्च किया गया पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। उस RTE एक्ट के अंदर 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च पहले ही कर दिया गया। सर्व शिक्षा का फोकस ही यही था कि हम जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन तक शिक्षा को पहुंचाएं। ठीक है, बेसिक बात कब आया, SSA कब आया, 2001 में आया, और क्या फोकस था इसका, UE यानी कि सार्वभौमिकरण करना शिक्षा का मेन इसका मोटिव था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वाई वॉज ई विद्या लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक नया स्कीम आया है ई विद्या, ई विद्या को लॉन्च क्यों किया गया था, टू प्रोवाइडिंग टेस्ट फॉर कंपेटिटिव एजुकेशन, टू प्रोवाइड डिजिटल एजुकेशन, टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्सेस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ई से नाम क्या लग रहा है, ई आ गया यहाँ पे, है ना। ई विद्या का मतलब है कि आप डिजिटल एजुकेशन को प्रोवाइड करना चाहते हो। ठीक है, तो डिजिटल एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए ई विद्या कार्यक्रम को लाया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके अंदर याद रखना कि जो टीवी चैनल्स हैं वो, उस पर फोकस किया गया कि हम ऑनलाइन टीवी चैनल्स के माध्यम से छात्रों को क्या देंगे, शिक्षा देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। नाम क्या है इसका, प्रधानमंत्री ई विद्या, पूरा नाम है प्रधानमंत्री ई विद्या। मेन काम क्या था कि जो छात्र और शिक्षकों के बीच डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षण के साथ साथ बहुत सारी सामग्री को पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ऑनलाइन बेसिकली यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, बेसिक आगे बढ़ते, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ राइज, राइज का फुल फॉर्म क्या है। फटाफट से बताओ, अगर पढ़ा है तो कर लोगे, नहीं तो फिर ये ऐसी चीजें हैं कि या तो पता है या तो नहीं पता है ना, ऐसा होता है। तो आर फोर क्या होता है, आर फोर तो तीनों में यही दिया है, तो रिकंस्ट्रक्शन होगा नहीं, रिविटलाइजिंग इंडियन होगा आई फोर, या इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन होगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन होगा। ठीक है, एजुकेशन की जो संरचना है, जो सिस्टम है, उसमें चेंज लाना। ठीक है,
सो जितने लोग बी कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, राइस की फुल फॉर्म। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका पूर्ण रूप क्या है कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे और प्रणालियों का क्या करना, पुनरुद्धार करना, यानी उसमें चेंजेस लाना, उसमें मोडिफिकेशन लाना। यह छात्रों के लिए गुणवत्ता शिक्षा में सुधार से संबंधित है और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 के बजट में इसको पेश किया था। ठीक है, तो बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करने के लिए राइस को स्टार्ट किया गया। इसकी फुल फॉर्म याद रखना क्या होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली मध्य प्रदेश हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू टीच विच सब्जेक्ट इन स्कूल एजुकेशन। मैम आज फर्स्ट टाइम आपकी क्लास देख रहा हूँ, पेपर वन की कंप्लीट तैयारी करेंगे। हाँ बिल्कुल, पेपर वन की तैयारी मैं काफी दिन से करवा रही हूँ, जब से आप लोगों का नोटिफिकेशन AMRS का आया है। अभी तक मैंने काफी कुछ चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो अगर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन यू कैन वॉच अदर वीडियोज टू। आपको ICT के पूरे 10 लेक्चर मिल जाएंगे, 10 लेक्चर में पूरा ICT मैंने कवर करा दिया है। अभी 2-4 वीडियो बाकी है, एज वेल एज यू कैन चेक आउट इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, बाकी जो अपकमिंग वीडियोज होंगी वो जल्दी जल्दी चैनल पे आएगी। ओके चलो, बहुत बढ़िया, आंसर करेक्ट आ रहा सभी का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी गुड। मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट को लॉन्च करने का फोकस किया गया, अभी रिसेंट की बात है ये। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एक चीज और याद रखनी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सब्जेक्ट इंक्लूड करने की बात की गई थी वो एजुकेशन फॉर ऑल में की गई थी, यानी EFA का मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश सरकार ने अभी रिसेंटली पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने की डिमांड की है, और कहाँ से, फ्रॉम क्लास 8, कक्षा 8वीं से। ठीक है, और कितने घंटे का लेक्चर होगा, ये कोर्स होगा 240 घंटे का कोर्स होगा, 240 आवर्स का कोर्स होगा जिसको ये पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया सब्जेक्ट, किसके अंदर आया, एजुकेशन फॉर ऑल के अंदर, और कितने घंटे का कोर्स होगा, 240 घंटे का, और कौन सी क्लास, 8वीं क्लास से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जिसको अभी क्या बोला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला गया। ठीक है, MHRD का नया नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो इसमें दीक्षा पोर्टल को स्टार्ट किया गया, एक पोर्टल आया ऑनलाइन पोर्टल जिसको दीक्षा बोला जाता है। दीक्षा को किसके लिए लॉन्च किया गया था, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए या लॉयर्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीक्षा, तो जितनी भी स्कीम्स वगैरह हैं इनको जरूर आप लोग कर लेना। ठीक है, सो क्या होना चाहिए इसका आंसर, देखो ये तो इसमें तो कोई डाउट किसी को होगा नहीं, यहाँ पे दीक्षा जो कार्यक्रम आया वो टीचर्स के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया था, फॉर टीचर्स। ठीक है, तो जितने लोग टीचर्स के साथ हैं उन लोगों का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, टीचर्स के लिए स्टार्ट किया गया था। अब इसमें देखो क्या क्या बोला गया है, बेसिकली पहले तो इसको आपका जो फुल फॉर्म है, पहले तो आपका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। फुल फॉर्म इसकी है डी फॉर डिजिटल हो गया, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, के फॉर नॉलेज हो गया, शेयरिंग हो गया। ठीक है, तो दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल, यहाँ पे एस फॉर स्कूल हो जाएगा। ठीक है, तो दीक्षा को स्टार्ट किया गया था बाय द इनिशिएटिव ऑफ NCERT। ठीक है, तो मेन काम किसका है, NCERT का है। NCERT बेसिकली क्या करेगा ना, ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करेगा टीचर्स को, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे टीचर्स को जो भी एक ट्रेनिंग दी जाएगी वो NCERT के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, और कहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था, इसको बेसिकली 2017 में स्टार्ट किया गया है, जो आज भी चल रहा है। ठीक है, जो आज भी चल रहा है, कम से कम 35 ऐसे राज्य हैं जहां पे इसको आज भी चलाया जा रहा है। ठीक है, तो फॉर दीक्षा
आपको बस ये याद रखना था कि दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है, दीक्षा पोर्टल किसके लिए था, टीचर्स के लिए दीक्षा प्रोग्राम आया और ये एनसीईआरटी के अंतर्गत आया, मतलब शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को सारा कार्य संभाला है कि भाई एनसीईआरटी जो ट्रेनिंग होगा, रिसोर्सेज होगा, वीडियोज, वर्कशीट्स, जो हेल्प होती है एक टीचर के लिए उसके ट्रेनिंग में, वो एनसीईआरटी करेगा। क्लियर? तो इजी भाषा में इसके बारे में हमको इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है डिटेल में, बेसिक मालूम होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञता, एक नाम आ रहा है यहाँ पे, प्रज्ञता गाइडलाइंस रिलीज्ड इन जुलाई 2020 आर दे एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रज्ञता जो आया वो किससे आधार, किससे संबंधित था, तो ये भी इजी है क्योंकि ऑप्शंस आर वेरी इजी। ठीक है, हेल्थ, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नहीं, डिजिटल एजुकेशन किससे रिलेटेड है ये, अगेन आंसर क्या होगा, 22 का बी होगा। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन स्टार्ट किया गया और उस टाइम पे जब ये स्टार्ट किया गया था 14 जुलाई 2020 में इसको लाया गया था। ठीक है, पहले की बात है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और उस टाइम पे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, एचआरडी मिनिस्टर थे, वो रमेश पोखरियाल थे। ठीक है, अभी धर्मेंद्र प्रधान है, उस टाइम रमेश पोखरियाल थे। क्लियर? तो ये प्रज्ञता स्कीम है डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब जो भी ऑनलाइन कार्यक्रम होगा, ऑनलाइन जो एजुकेशन होगा वो प्राइमरी और प्री प्राइमरी बच्चों को देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वयं कार्यक्रम के बारे में जरूर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बहुत ज्यादा स्वयं जो है वो काफी फेमस है, बहुत सारे रीसेंट पेपर्स में आया हुआ है, यूजीसी में काफी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, तो जो स्वयं आया था, स्वयं जो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो लाया गया, उसका बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में उसको लाया गया था और मेन इसका जो है वो MOOC के संबंध में। ठीक है, ये आपने जरूर देखा होगा, MOOC। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग, मतलब ऑनलाइन लर्निंग जो कोर्सेज हैं, ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, और यहाँ पे बेसिकली जो स्वयं है वो वही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नाम याद रखना। इसके कुछ प्रिंसिपल थे जिन पे इसको लाया गया था, तो तीन प्रिंसिपल है जो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वयं प्रोग्राम को जो इनिशिएट लिया गया उसके अंतर्गत तीन हमारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे, एक था एक्सेस जिसको पहुंच बोलेंगे, दूसरा था इक्विटी जिसको हम बोलते हैं समता, और इक्वालिटी मतलब समानता। ठीक है, इक्विटी, इक्वालिटी एंड एक्सेस, तीन प्रिंसिपल पे आधारित था एजुकेशन पॉलिसी के जो तीन प्रिंसिपल हैं, अभी हम जो पिलर्स डिस्कस कर रहे थे उसी के आधार पे इसको लाया गया। क्लियर? और इसके साथ साथ एक और याद रखना, AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की मदद से इसको स्वयं को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2023। इंटरनेशनल एजुकेशन डे अभी रिसेंटली आया और उसमें जो थीम थी वो क्या थी वो आपको बताना है। ओके, सो आंसर यहाँ पे अभी तक तो सी आंसर आ रहा है सभी का। ठीक है, देखो इसका जो इंटरनेशनल एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इस बार का जो थीम था वो क्या था, इन्वेस्ट इन पीपल एंड प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जितने लोग सी कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इन्वेस्ट इन पीपल एंड
प्रायोरिटाइज एजुकेशन, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली इसको कब मनाया गया था, 24 जैन को, 24 जैन 2023 को मनाया गया, और क्या थीम थी, टू इन्वेस्ट इन पीपल एंड प्रायोरिटाइज एजुकेशन। और कौन सा था ये, 5th इंटरनेशनल डे था, ठीक है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। डैश हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल टू सिंप्लीफाई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें तो टीचर एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है जो स्टार्ट किया गया, फटाफट बताओ क्या होना चाहिए। यूजीसी होगा, डिस्टेंट एजुकेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, या फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। वैसे तो ये बहुत पहले आया है, अभी बहुत रीसेंट तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप, क्योंकि डेली डेली ऐसी, ऐसा नहीं कि हर दिन कोई ना कोई स्कीम आ ही रही है एजुकेशन में, है ना। क्वेश्चन जो है वो ऑल ओवर इन्हीं चीज़ों से आपका बनेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे NCTE हो जाएगा, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको लॉन्च किया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, तो ये बस बेसिक इसके बारे में याद रखना। फाउंड इसको बेसिकली किया गया था 1995 में, ठीक है। फाउंड तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन आज भी जो है जितनी भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड आप इनिशिएटिव देखते हो वो यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। और इनका रीसेंट जो काम है वो क्या हुआ है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हुआ है। मतलब अभी आपको पता हुआ कि 4 साल का जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन है उसको लॉन्च किया गया, और वो लॉन्च किया है NCTE ने, इसीलिए ये ज्यादा चर्चा में अभी आजकल है, ठीक है। तो बेसिक बात याद रखनी है कि इस बेसिकली 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को यहाँ पे इस पोर्टल पे अभी रिसेंट लॉन्च किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कब आया था, तो सेटअप हुआ था ये 1993 में, और फाइनल इसको किया गया था 1995 में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, विच स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर्स। मतलब AI का यूज कौन सी ऐसी योजना है जो कर रही है। नीट होगा, दे दोनों में फर्क है स्पेलिंग में। स्वयं है या स्वयं प्रभा है, तो स्वयं तो अभी हम कर रहे थे, बट ऐसा कुछ तो नहीं डिस्कस किया हमने स्वयं में कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जो राइट होगा वो क्या होगा, NEAT होगा, नीट, ओके। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जहां पे किया गया, अब इसके बारे में बेसिक याद रखना, मेन टारगेट इसका क्या था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे हम जो लर्निंग है वो ई कंटेंट के जरिए हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे पोर्टल पे। एंड बेसिकली इसका मेन काम था कि जो टेक्नोलॉजी है उसको एजुकेशन के साथ जोड़ना, मेन इसका काम था। टेक्नोलॉजी जो आजकल है उसकी मदद से शिक्षा को कहीं ना कहीं जोड़ना, एजुकेशन पेडागोजी को जोड़ना, मेन इसका काम था, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करने वाले एजेंसी क्या है, AICT, ठीक है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, AICTE, ओके। बाकी और तो इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, ये सब चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, EWS बच्चे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं, उन तक पहुंच को बढ़ाना इसका मेन एम था, ठीक है, क्लियर। तो मेन इसका मुद्दा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। चलो 27 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सागर सिंह, यहाँ पे देखिए
सीटेट में कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था ऑफिशियल, जहाँ पे ये बोला गया कि अगर आप अब किसी भी टीचिंग प्रोग्राम, किसी भी टीचिंग कोर्स में अगर आप एनरोल्ड हैं, अगर आपका एडमिशन हो चुका है, भले ही आपका एडमिशन आज हुआ हो, तो भी आप सीटेट का एग्जाम अगर देते हो तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो दूसरों की बातों में मत आओ, फॉर्म भर दो, पास हो जाओगे तो आपका लाइफ टाइम का वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट करना, नोटिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, यू आर एलिजिबल, फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, आंसर करो इसका। क्या बोला गया, ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होगा? ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा फाउंडेशनल बोला गया है। ठीक है, आपको पता है ना, वो NEP 2020 के जो पैटर्न है उसको चेंज किया गया है ना, पुराने पैटर्न को हटा के नया पैटर्न लाया गया, शिक्षा का ढांचा जो है वो पूरा बदल दिया गया। तो यहाँ पे फाउंडेशनल जो स्टेज है वहां पे लार्जली फोकस किया गया कि बच्चे ऑब्जर्व करके सीखे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को बोला गया है। अब आपको इससे ये पूरा याद होना चाहिए, बिकॉज ये अगेन इंपॉर्टेंट है, 5+3+3+4 का ढांचा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, 5+3+3+4 को लॉन्च किया गया NEP में, और जो 5 ईयर्स है उसको 3+2 में कन्वर्ट किया गया है। जो शुरुआत के जो ईयर्स है वो आपका ECC वाला होगा। प्रिपरेटरी में बेसिकली बच्चे प्ले करेंगे, है ना, प्रिपरेटरी लेवल पे बच्चे प्ले कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। मिडिल स्टेज उसके बाद आ जाएगा आपका, ठीक है, जहाँ पे एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे सेकेंडरी में आपका मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना, क्लियर। तो जो ऑब्जर्वेशन की बात की गई है वो आपका फाउंडेशनल लेवल पे, सबसे जो बेसिक लेवल है, ECC वाला जो लेवल है, जो प्ले बेस्ड एक्टिविटी जहाँ हो रही है वहां बच्चे सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, सेंसेस से सीखेंगे। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फाउंडेशन। उसके बाद आता है प्रिपरेटरी, उसके बाद आता है मिडिल। ठीक है, तो ये क्रम याद रखना, फाउंडेशनल, फिर प्रिपरेटरी, फिर मिडिल, एंड देन आपका सेकेंडरी आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो इट्स ओके, कोई नहीं, इसका PDF दे दूंगी, आराम से पढ़ लेना। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, चलो भाई इसका करो। भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक परियोजना है? कौन सा मंत्रालय है जिसने इसको शुरू किया है? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, एजुकेशन साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। तो इसका क्या होगा, देखो नाम याद रखना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, इसके बारे में भी अगेन आप बाद में पढ़ सकते हो आराम से, पूरा नहीं मैं यहाँ पर पढ़ूंगी बैठ के, लेकिन बेसिक टर्म याद रख लो, एडोलेसेंट्स और चिल्ड्रन पे फोकस किया गया। ठीक है, जो टीनेजर्स हैं, 13 से बेसिकली 19-20 साल के जो बच्चे हैं, उन पे फोकस किया गया है इसमें, कि भाई हम एक जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो हम प्रोवाइड करेंगे। और क्या हो सकता है, बच्चों के अंदर हैबिट को डेवलप करना, हैबिट ऑफ व्हाट, हैबिट ऑफ रीडिंग, हैबिट ऑफ रीडिंग को डेवलप करना इसका मेन एम था, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को लाना। ये हो गया, क्यों स्टार्ट किया गया था, कोविड के बाद से जो लर्निंग है उसकी हैबिट को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया, ताकि बच्चा डिजिटली भी क्या करे, लाइब्रेरी को अवेल करे। अब आप देखोगे डिजिटली भी लाइब्रेरी है, आपको कोई बुक चाहिए आप ऑनलाइन जाके, कोई ऑफिशियल उस पर जाके आप कोई भी बुक को देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मेन एम यही था, क्लियर है? ठीक है, मतलब जो भी रिसोर्सेज है वो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू इम्पार्ट क्वालिटी मिडिल एंड हाई लेवल एजुकेशन स्केड्यूल ट्राइब चिल्ड्रन इन रिमोट एरिया, द EMRS वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर।
कब स्टार्ट किया गया था EMRS को, जो ये रेजिडेंशियल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए, कौन से बच्चों के लिए, जो ST कम्युनिटी से आते हैं, जो रूरल एरियाज में आते हैं, रिमोट एरियाज में आते हैं, उनके लिए स्टार्ट किया गया, किस वर्ष में, वो आपको बताना है। क्योंकि ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। हम शुरू में ही मैंने आपको एक लिस्ट दी थी जिसमें ये भी था, EMRS भी था। विद्यालय के लिए स्टार्ट किया गया इसको, बेसिकली विद्यालय चलाने के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा यहाँ पे, 1997 टू 1998। ईयर याद रख लो बस, और कुछ नहीं करना है, बेसिक ईयर याद रखना है ना। 20 का हो जाएगा, राइट। क्या आपको मालूम है क्या ऑब्जेक्टिव था? क्वालिटी एजुकेशन को देना, किसको? ST चिल्ड्रन को, जो रूरल रिमोट एरिया में होते हैं, उनको, उनके लिए ऐसे विद्यालयों की स्थापना करना जो रेजिडेंशियल हो, है जहाँ पे वो रह करके सीख पाए। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। हु लॉन्च्ड द मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया? अभी रिसेंटली मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को किसने स्टार्ट किया? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह या पीयूष गोयल? ठीक है, आंसर करो फटाफट। सो अगेन, तब से हम बहुत सारी चीजें करते आ रहे थे जिसमें मैक्सिमम जो इनिशिएटिव थे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही लिए गए थे। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान होगा। ठीक है, मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण जो है उसको स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया कब? 5 सितंबर, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। याद रखना, टीचर्स डे के दिन मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और बेसिकली ये जो स्टार्ट किया गया था वो NEP के सिद्धांतों को ध्यान में रख करके स्टार्ट किया गया था, कि NEP 2020 के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको ध्यान में रख करके हम क्या करेंगे, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो कब स्टार्ट किया गया इसको? 5 सितंबर 2023। ठीक है, क्लियर है? मैम आपको नींद आ रही है? आई होप मुझे नींद आती टाइम पे। आप लोगों को तो नहीं आ रही ना, ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, मुझे आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को इस टाइम पे नींद नहीं आनी चाहिए, हम सो लेंगे, हमारा क्या है, आप लोगों को जगते रहना है, जब तक तैयारी ना हो अच्छी, है ना, तब तक थोड़ी नींद कम लो। ओके, सो गाइज, यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, एंड आई होप कि आज के सेशन में सारे जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ सब लोग, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट में, पहला। दूसरा, कल आप हमारी टेंसेस की क्लास में ले लूंगी, आप लोग काफी ज्यादा इंग्लिश का डिमांड कर रहे हो, तो टुमारो आई विल बी टेकिंग क्लास ऑन टेंसेस एट 10 10 PM। आई थिंक ये टाइम ठीक रहता है, शांति रहती है, तो 10 बजे टेंसेस की क्लास होगी। तीसरा, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना करना अगर चाहते हो तो आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल हो चुके हैं, बहुत स्टूडेंट्स परचेज कर चुके हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं फॉर योर EMRS जनरल पेपर प्लस योर सब्जेक्ट, तो TGT के आपको लगभग सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। हॉस्टल वार्डन तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जनरल पेपर का अगर आप लेना चाहते हो तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। और कुछ जो TGT के हमारे जो विषय है, या जो PGT है, PGT के भी कुछ सब्जेक्ट है जो आपको मिल जाएंगे, तो अगर आपका सब्जेक्ट आपको मिलता है तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम एप्लीकेशन। सबका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज गाइस, जुड़िए मेरे चैनल से। आप लोग अगर पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, माई चैनल, एंड आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो कहीं पे भी, और सेशन को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। ठीक है मैम, वन मोर क्वेश्चन, क्या एग्जाम की डेट आ गई है? देखो, एग्जाम की डेट का अभी फिक्स कुछ नहीं है। वो जो एक नोटिस आपका आ रहा था ना कि 24 23 दिसंबर में एग्जाम होगा, इट कैन बी ट्रू। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा, सच, वो सच भी हो सकता है, बिकॉज आपको पता होगा ऐसे KVS का भी आया था,
केवीएस का आई थिंक ऐसा ही एक सर्कुलर आया था जो लग रहा था कि फेक है लेकिन वो बाद में वो चीज सही हो गई। तो ऐसा आपका भी हो सकता है, कुछ नहीं पता किसी को। आप ये मान के चलो कि आप लोग दिसंबर तक रेडी हो जाओ, ठीक है? ये जो आपके पास ये 1 मंथ का टाइम बचा है ना, तो 10 दिसंबर तक अपने आप को इतना आप तैयार कर लो कि आप कभी भी एग्जाम डेट आपको देखने को मिले तो यू विल बी रेडी, है ना? आप रेडी रहोगे कि आपको कोई बिठा दे एग्जाम देने तो आप अच्छा करो, है ना? तो अपना स्कोर इम्प्रूव करो, और एग्जाम होना होगा तो हो जाएगा, देखते हैं कब होता है। अभी श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ की, तो मैं भी कंफर्मेशन के साथ कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ चांसेस आर वेरी हाई कि आपका 15 दिसंबर के बाद एग्जाम हो, ठीक है? सो देखते हैं फिर, लेट्स सी कब होता है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, यही कहूंगी, अपनी तैयारी करते रहो एंड गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल। कोई भी डाउट होता है आपको रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज और रिगार्डिंग एनीथिंग, इफ यू वांट टू आस्क देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो वहां पे, ठीक है? यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, ठीक है? ओके क्लियर। संस्कृत आई एम नॉट श्योर, संस्कृत का आपको चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक? चेकआउट करना एक बारी। संस्कृत का आई थिंक नहीं है, मुश्किल है संस्कृत का, ठीक है? चलिए बाय बाय सबको, गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल, ओके, एट द सेम टाइम एंड इंग्लिश की क्लास में कल मिलेंगे।